नमस्कार दोस्तों, टेम चुपने पर गोपटेल हाईटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि मैं YouTube में अपना करियर बना लूं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं ये वीडियो स्पेशली आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ कि जो मैं अभी जो भुगत रहा हूँ या मैं जो भी मेरे साथ हो गया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसे जो यूट्यूबर होता है उसको छोटी छोटी बातें का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यानी कि एडसेंस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो हमारे यूट्यूब ने बनाए हुए है टर्म्स एंड कंडीशन, उसको हम फॉलो करें अच्छी तरीके से, ठीक है। उसमें कोई भी हम गलती नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी गलती हमको बहुत भारी पड़ सकती है, ठीक है। तो आज जब मैं रात को सो गया और सुबह उठा तो एक मेल आया हुआ था, उसमें मेंशन था कि योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड फॉर 30 डेज, यानी कि मेरा जो एडसेंस अकाउंट है तो वो एक महीने के लिए डिसेबल हो गया है ड्यू टू इनवैलिड एक्टिविटी ऑन माय एडसेंस अकाउंट, यानी कि जो मेरा यूट्यूब का अकाउंट था उस पर एड पर कोई किसी ने इनवैलिड क्लिक, यानी कि बार बार क्लिक लगाई हुई थी, या शायद बोट लगाया हुआ था, या शायद स्पैमिंग कर दी, या कुछ भी कर दिया, ये तो गलती थोड़ी सी हो गई कहीं से भी। तो मैं इतना ख्याल रखता हूँ मेरी चैनल का, मेरा एडसेंस अकाउंट का बहुत ख्याल रखता हूँ, आप लोगों को भी समझाता हूँ, फिर भी ये ऐसी गलती मेरे से भी, यानी कि मेरे अकाउंट में भी ये ऐसी गलती हो जाती है, तो आपको तो मैं इसीलिए ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको तो बहुत ही आप ध्यान रखना पड़ेगा उस बारे में कि पूरे का पूरा जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ठीक है। तो तब जाके आपके जो एडसेंस अकाउंट होगा वो डिसेबल नहीं होगा, यानी कि यूट्यूब जो होता है, यानी कि जो गूगल एडसेंस अकाउंट वाले टीम होती है वो हमको सिर्फ 2 या 3 ही चांस देती है। पहला चांस ये कि आपका अकाउंट फॉर 30 डेज के लिए सस्पेंड हो जाता है, यानी कि मोनेटाइजिंग जो होता है आपके वीडियो ऊपर जो एड आती है वो 30 दिन के लिए डिसेबल की जाती है गूगल की ओर से, ये होता है पहला वार्निंग। सभी जो मेजोरिटी ऑफ यूट्यूबर्स होते हैं उसको ये भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ऐसा दौर आ जाता है, और शुरुआत के दौर में जो नए नए सब्सक्राइबर्स होते हैं और कुछ कॉम्पिटिशन जैसा हो जाता है, या कुछ लोग होते हैं हमारे एनिमीज होते हैं, कुछ लोगों को हम अच्छे नहीं लगते, या हमारे वीडियोज अच्छे नहीं लगते, या हमको आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो उस देख नहीं सकते, बहुत सारा रीजन होता है, देयर आर मेनी रीजंस। तो ऐसा हमारे साथ तो हो जाता है, एक्चुअली हम गलती नहीं करते लेकिन हो जाता है। तो गूगल हमको पहला वार्निंग देता है, ये 1 महीने के लिए हमारा अकाउंट जो होता है डिसेबल किया जाता है मोनेटाइजेशन से, यानी कि हमको रेवेन्यू कुछ मिलता नहीं है और हमको वीडियो जो अपना काम होता है वो ऐसे चालू रखना पड़ता है, ठीक है, आप समझ गए। ऐसे में आप दूसरा वार्निंग 6 महीने का गूगल देता है, ये आपके लक ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गूगल होता है वो देखता है कि आपके व्यूअर्स कितने हैं, आपको वॉच टाइम कितना है और आपके सब्सक्राइबर्स कितना है, तो यानी कि आपका पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म बन गया होता है यूट्यूब पर वो कैसा है, वो देखता है कि अच्छा है, यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो देखते हैं इसके वीडियो, वॉच टाइम ज्यादा है, व्यूअर्स ज्यादा है, तब तो वो आपको 6 महीने बैन कर देगा, यानी कि 6 महीने के लिए आपकी एडसेंस जो होगी वो डिसेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे में आप यदि अच्छे खासी यूट्यूबर नहीं है, या कोई आपको हेट करता है, या आप जो अच्छे कंटेंट अपलोड नहीं करते हैं और ऐसा लग जाता है, एक बार लग गया होता है और दूसरी बार तो वो गूगल शायद सोचेगा नहीं, आपका अकाउंट जो होता है परमानेंटली डिसेबल किया जाता है, ठीक है। और ऐसे में गूगल, मैंने देखा गूगल फोरम में एक जो सेंटेंस लिखा हुआ था, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था, किसी शायद किसी ने आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं आपको अवेयर करा देता हूँ उस बात से। गूगल में ऐसा मेंशन था कि आपको अपना खुद का एडसेंस अकाउंट होता है, खुद को वो आपका खुद का होता है, यानी कि आपको हर रोज वो चेक करना पड़ता है, आपके CTR जो होते हैं वो आपको चेक करने पड़ते हैं कि कितने बढ़ गए या इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, ठीक है। यदि वो 10% के आसपास होते हैं तो बहुत वो ठीक बात है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाता है, यानी कि more than 10% हो जाता है तो आपको सोचने वाली बात है, ऐसे में आप क्या करें। तो आप जो अपने यूट्यूब का मोनेटाइजेशन है उसको आप तब जाके डिसेबल कर दीजिए, पैसे की मत सोचिए, क्योंकि आप पैसे की सोचते रहेंगे कि आज मैंने ये अपलोड किया है वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है, आई होप कि ये वायरल हो जाएगा, बहुत सारे व्यूअर्स आएंगे, बहुत सारे पैसे आएंगे, ऐसा मत सोचो, ठीक है। आप क्या सोचो कि मैं ये वीडियो अपलोड किया है लेकिन मेरे एडसेंस अकाउंट या CTR की वजह से एक बार डिसेबल हो जाता है तो कुछ पैसे ही नहीं आएंगे, इसीलिए आप उस पैसे की बात छोड़ दो, रेवेन्यू जो मोनेटाइजेशन को डिसेबल ही कर दो।
ठीक है, आप समझ गए। ये मैं अपना जो सजेशन है, अच्छा सजेशन आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि एज ए यूट्यूबर आप करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें का आपको ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, ये लगती है छोटी छोटी बातें, और हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम खुद की एड को क्लिक कर दे और पैसे कमा लेते हैं, लेकिन गूगल जो होता है हमसे स्मार्ट होता है। वहां पर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, वो लोग वहां पर बैठकर हमारे हमको ट्रैक करते हैं, और हम उसको पता चलता है कि इसकी चैनल कितनी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, हमने क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हम सेल्फ क्लिक भी करते हैं तो उसका हमारा आईपी जो होता है ट्रेस हो जाता है, और गूगल वाले को पता चल जाता है कि हम हमारी खुद की एड पर क्लिक कर रहे हैं, और उसको ऐसा लगे कि ये बार बार क्लिक करते जा रहे हैं। तो ऐसे में वो आपकी एडसेंस अकाउंट को डिसेबल कर सकेंगे, वो कुछ भी नहीं सोचेंगे, चाहे आपकी चैनल में 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो या 0 सब्सक्राइबर्स हो, आपकी चैनल बहुत पॉपुलर हो या कुछ भी हो, आपको वार्निंग देने से वो लोग नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि जो गूगल का पूरा ये यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म होता है वो पूरा का पूरा एडवर्टाइज पर डिपेंड करता है। ये उसकी जो गूगल की कमाई है यूट्यूब से, हम लोग जो यूट्यूबर जो कमाते हैं यूट्यूब से, वो हमको सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स के पैसे नहीं मिलते हैं। यूट्यूबर को पता होना चाहिए कि हमको जो पैसे मिलते हैं वो एड के, और एड के ऊपर जो क्लिक होती है उसके पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एड देता कौन है? जो एडवर्टाइजर होता है या कोई बिजनेस कंपनी होती है या कोई कंपनी होती है तो कोई कंपनी होती है वो उसको गूगल को एड देता है, और गूगल हमको हमारा वीडियो ऊपर वो उसकी एड जो होती है डिस्प्ले होती है, और एडवर्टाइज को पैसे पेमेंट करना पड़ता है गूगल को, तब जाके गूगल हमारे वीडियोस के ऊपर एड बताता है। ठीक है, तो गूगल नहीं चाहता कि हमारे एडवर्टाइज के साथ चीटिंग हो, यानी कि आप सेल्फ क्लिक करके पैसे कमा लो। ठीक है, तो ऐसे में आपका एडसेंस अकाउंट को डिसेबल करने से पीछे नहीं हटेंगे, तो ये बात को आपको ख्याल रखना ही होगा। ये मेरा पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल जो समझो, सजेशन समझो, कुछ भी समझो। ठीक है, तो ऐसे में आप सब आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अब ऐसे में आपका अकाउंट शायद डिसेबल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि आपका हो जाता है, तो आपको करना क्या है कि पहले तो आपको जो रीजन दिया होगा, आपको एक मेल आएगा, वो मैं मेल भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से एक मेल आता है गूगल की ओर से, वो वार्निंग मेल आएगा, उसमें लिखा होगा, पहली बार आता है तो लिखा होगा कि आपका अकाउंट जो है 1 महीने के लिए डिसेबल किया जाता है। ठीक है, तो उस मेल के बाद ही तुरंत एक दूसरा मेल आएगा, तुरंत यानी कि 1 या 2 घंटे में यूट्यूब की ओर से मेल आएगा, उसमें लिखा होगा कि आप जो हमारे पार्टनर थे, वेरीफाई थे, लेकिन अब हम पार्टनर नहीं रहे हैं 30 दिन के लिए, यानी कि 1 महीने के लिए हम अब पार्टनर नहीं रहे हैं, यानी कि एडवर्टाइज जो होती है एडवर्टाइज वो आपके वीडियोस पर डिस्प्ले नहीं होगी, यानी कि आप कुछ पैसे नहीं कमा पाओगे। और वैसे ऐसे में आप गिवअप मत कीजिए, सेड भी मत होइए। आपको क्या करना है कि सिर्फ गूगल में जाना है, गूगल में सर्च करना है गूगल अपील, ठीक है, इनवैलिड क्लिक अपील सर्च करना है। आपको सर्च नहीं करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपना फॉर्म जो होता है फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में फॉर्म आप फिलअप कीजिए, और उसके बाद आपको इफेक्टिवली जो होगा, आपका जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो आपका आंसर जो होगा जेन्यून होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई करने के लिए 1 बार या 2 बार आपने एड पर क्लिक कर दिया तो आपका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, 60% हो सकता है। आप खुद करते हो 1 बार भी तो भी 60% चांस है कि आपका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आप सोच रहे हो कि मैं $1 कमा लेता हूँ या $2 कमा लेता हूँ रोजाना 1 बार क्लिक करके अपनी खुद की एड पर, तो ऐसा मत कीजिए। गूगल आपके ऊपर नजर रखा बैठा हुआ है तो ऐसा मत कीजिए, लेकिन ऐसे में हो जाता है ऐसा तो गूगल को जो आप आंसर देते हो इस फॉर्म में वो जेन्युइन दीजिए, वो अच्छा होना चाहिए। उसके साथ आप कोई कुछ भी मजाक में आंसर मत दीजिए कि नहीं ये हो गया वो हो गया, मेरे कुछ एनिमीज ने ऐसा स्पैमर लगा दिया, बोट लगा दिया, या कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मेरे कॉम्पिटिशन करने के लिए ये क्लिक कर दी। गूगल को पता है, सब कुछ पता है, ये तो सिर्फ आपके अपील के लिए फॉर्म बना है। गूगल को पता है कि आपने क्या किया और किस वजह से उसने डिसेबल किया, उसको पता है, इसीलिए तो आपका अकाउंट डिसेबल हो गया। ठीक है, तो आप जो भी आंसर दो जेन्युइन दो, ताकि गूगल की नजर में आपकी जो रेप्यूटेशन हो खराब ना हो, और उसको पता चले कि नहीं ये इस चैनल का एडमिन या इस चैनल जो है वो अच्छी है और जेन्युइन आंसर दे रहा है, तो
तब जाके शायद 0.01% चांस होगा कि आपका अकाउंट जो है फॉर एग्जाम्पल 30 दिन के लिए सस्पेंड हो गया है, तो तब जाके वो अकाउंट आपका रीएनेबल हो जाएगा, वरना 99.99% चांस तो आपको वो एक ही ईमेल मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि हमने नोटिस किया कि आपका जो अकाउंट है वो इनवैलिड एक्टिविटी से डिसेबल नहीं हुआ है, तो हम इसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही होगा। और उसके बाद आप दूसरी बार अपील भी नहीं कर सकते, आपको भुगतना पड़ेगा 30 दिन के लिए या जो भी उसने बोला है वो तब तक, ठीक है। आप जेन्युइन उसको लगेगा, सिर्फ 0.01% इसको जेन्युइन लगता है तब जाके आपका चांस होगा, वरना आप अपील फॉर्म तो फिलअप कर ही दो, ठीक है, तब जाके आपका जो होगा थोड़ा सेफ हो जाएगा। अब आप कैसे पता करें कि हमारे अकाउंट में इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है या ना हो रही है, क्योंकि कई ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूबर को पता होता है कि हमको खुद को कभी एड पर क्लिक नहीं करनी है। आप अपने फ्रेंड्स को फैमिलीज को भी बता दो कि मेरी यूट्यूब पर अकाउंट यूट्यूब पर जो एड आती है तो आप उसको वॉच करने की बजाय स्किप ही कर दो, ठीक है, वरना क्या होता है कि हम हमारी फैमिली वाले कुछ ऐसा सोचते हैं कि नहीं चलो इसकी एड पर देखते हैं, एड देखते हैं और क्लिक कर देते हैं तो उसको शायद कुछ मुनाफा हो जाए, लेकिन आप उसको रिक्वेस्ट भी मत करो या ऐसा बोलो भी मत कि मेरी एड को देखो या मेरी वीडियो पर जो एड आती है उसको ये कर दो, क्लिक कर दो, वो कर दो, ठीक है, वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके अकाउंट पर, ठीक है। तो ऐसे में आपको कैसे पता चलता है कि मेरा अकाउंट में इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है, तो आपको अपना एडसेंस अकाउंट खोलना है, वहां पर आप एडसेंस जैसे अकाउंट खोलते हो तो एक क्लिक का ऑप्शन आता है, आप जैसे ही परफॉर्मेंस में जाते हो क्लिक पर आपको जाना है, तो वहां से आप अपने CTR चेक कर सकते हो, CTR आपका जो होगा 10% या उससे कम हो तो बहुत अच्छा है, वरना 10% के आसपास हो तो ठीक ठाक है, लेकिन उससे ज्यादा होता है या 15% या 20% हो जाता है तो आपको तुरंत ही जाके अपना YouTube का मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देना है 2 या 3 दिन के लिए, ठीक है, फिर जाके एडसेंस में जाके फिर से चेक करना है कि मेरा CTR कम हो गए या नहीं हो गए, आपको लगता है कि आप 10% के आसपास या उससे कम हो जाते हैं तब जाके उसको फिर से अनेबल करना, वरना चाहे 5 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, कुछ भी लग जाए, उसको अनेबल मत कीजिए, ठीक है, आपके CTR बढ़ते रहते हैं। और ऐसे में यदि आपके CTR जो 40% हो जाता है तो आपको आपका अकाउंट 30% या 40% हो जाता है तो आपका अकाउंट शायद ब्लॉक हुआ हो या ना हुआ हो, डिसेबल्ड हुआ हो या ना हुआ हो, आप तुरंत जाके गूगल इनवैलिड एक्टिविटी का फॉर्म फिलअप कर दो और उसको सबमिट कर दो और मेंशन कर दो कि मैंने लास्ट में थोड़ी बहुत इनवैलिड एक्टिविटी मेरे अकाउंट में देखी है, CTR भी अचानक से बढ़ गए हैं, और ऐसे में आप सब कुछ जो बता दो कि अभी मेरा जो नॉर्मल CTR थे वो अराउंड 10 से 12% थे और अभी जो मेरा CTR जो है अभी 30 या 40% हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसा आप पहले एक फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देते हो तो आपको आपका अकाउंट जो होगा वो सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये शायद अच्छा लगा होगा, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और किस तरह से आप अपील कर सकते हैं और किस तरह से आप CTR को चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके अकाउंट में CTR बढ़ जाते हैं और जैसे ही आपके अकाउंट में इनवैलिड एक्टिविटी बढ़ जाती है तो इस टाइप का एक ईमेल आता है गूगल की ओर से, जिसमें मेंशन होता है कि आपका जो अकाउंट होता है 1 महीने के लिए डिसेबल किया जाता है। और आपके एडसेंस अकाउंट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है कि आपकी इनवैलिड एक्टिविटी के कारण से जो भी आपने अर्निंग की है वो अर्निंग एडवर्टाइज को रिफंड की जाएगी और आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी, यानी कि आपने जो कुछ भी कमाया है वो लोग वापस ले लेंगे, ठीक है। और जब आप अपना YouTube का अकाउंट चेक करते हो तो वहां पर डीमोनेटाइजेशन का एक साइन आ जाएगा, यानी कि डॉलर की निशान तो होगा लेकिन उस पर एक क्रॉस आ जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट जो है डीमोनेटाइज है। जैसे ही हमारा एडसेंस का अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है तो तुरंत ही एक और ईमेल आता है, उसमें लिखा होता है कि YouTube ने हमारी पार्टनरशिप थी वो ब्रोक कर दी, यानी कि अब हमारा अकाउंट जो है डीमोनेटाइज हो गया है। अब आपको बता देता हूँ कि कैसे हम CTR को चेक करते हैं। तो अपना एडसेंस का अकाउंट खोल लीजिए, वहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चले जाए। जैसे ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर जाते हो तो वहाँ पर ये क्लिक वाला ऑप्शन है, उस पर आप चले जाए, ठीक है। तो यहाँ हमारा CTR दिखा रहा है। अब मैं अपने लास्ट 30 डेज का CTR चेक कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कैसे CTR बढ़ गया और मेरा अकाउंट जो 30 डेज के लिए यानी कि 1 मंथ के लिए
डिसेबल हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं ये 10% है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखो 21% हो गया, यानी कि बहुत ही आगे बढ़ गया मेरा CTR। यहाँ भी 11% है, यहाँ भी 14% है, यहाँ 10% है। 10% के आसपास होता है तो अच्छा होता है, लेकिन उससे जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि हमारे जो इम्प्रेशन होते हैं वो बढ़ जाता है, CTR बढ़ता है तो थोड़ी अर्निंग बढ़ जाती है, और अचानक से अर्निंग बढ़ने के कारण गूगल को पता चल जाता है कि कैसे हमारी जो अर्निंग बढ़ गई और इनवैलिड क्लिक आ गए, ठीक है। ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, वहां से आप ऐसे इनवैलिड एक्टिविटी अपील का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से ये आपको पढ़ लेना है, और यह कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस में आपको वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना है जिस ईमेल एड्रेस की मदद से आप अपना एडसेंस अकाउंट ओपन करते हो, अपना यूट्यूब का अकाउंट जो होता है ओपन करते हो, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको लिख देना है प्रॉपरली। यहाँ लिखा है कि हैव यू एवर परचेस ट्राफिक, तो आपने कभी फेक व्यूअर्स या फेक सब्सक्राइबर्स परचेस किए हुए होते हो तो जेन्यून आंसर देना है, इस गूगल के साथ लाइव मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर नो कर दो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब लिखा है कि हाउ डू यूजर्स गेट टू योर साइट और हाउ डू यू प्रोमोट योर कंटेंट, तो यहाँ पर आपको रीजन बताना है कि कैसे आप अपने चैनल को प्रोमोट करते हो। तो यहाँ लिखना है कि मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ कि आप यदि टेक्नोलॉजी या कॉमेडी में इंटरेस्टेड है तो आप मेरी चैनल को विजिट कर सकते हो। देखो ऐसा मत लिखो कि सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसा लिखो कि विजिट कर सकते हो, और ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, आप अपने हिसाब से यहाँ कोई भी अपना खुद का रीजन लिख सकते हो। मेक श्योर कि जो भी लिखो वो इंग्लिश में लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर यह लिखा है कि हैव यू और योर साइट मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल एवर वायलेटेड द एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज, यानी और लास्ट में लिखा है कि इंक्लूड एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट यू बिलीव मे हैव रिजल्टेड इन इनवैलिड एक्टिविटी। दैट मीन्स कि आपका अकाउंट किस वजह से इनवैलिड एक्टिविटी का शिकार हो गया और कैसे वो ब्लॉक हो गया, आपको शायद कुछ अंदाज हो तो आपको यहाँ पर लिखना है कि शायद मेरे कुछ कॉम्पिटिटर थे, उसने मेरे साथ ऐसा किया या कुछ स्पैम कर दिया, या कुछ मेरे एनिमीज थी उसने मेरे साथ ऐसा किया, या कुछ लोग थे जिसको मेरी चैनल अच्छी नहीं लगती या मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लगते, या फिर वो चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूँ, वो मेरे अकाउंट पर बार बार ये बोट लगा देते हैं, स्पैमिंग करते हैं या क्लिक बार बार क्लिक करते रहते हैं, तो ऐसा रीज़न आपको जेन्युइन रीज़न लिखना है, ठीक है, और वो सब इंग्लिश में लिखना है। और यहाँ पर आपको लिखना है कि यह क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस विल यू इंप्लीमेंट टू हेल्प इंप्रूव द ट्रैफिक क्वालिटी ऑफ योर साइट मोबाइल एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल। इसका मतलब ये है कि आप जो यूट्यूब पर जो एड दिखाती है उसको इंप्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, या आप कौन सा चेंज करोगे अब फ्यूचर में। तो यहाँ पर लिखना है कि मैं अब फिर से ये श्योर हो जाऊंगा कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जो है एडवर्टाइज के लिए वो क्लीन हो जाए, यानी कि स्पैम फ्री हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्पैम ना हो, यानी कि स्पैम कमेंट्स या स्पैम क्लिक या इनवैलिड क्लिक ज़्यादा ना हो। जब भी CTR बढ़ते हैं तो मैं अपना एडसेंस अकाउंट जो है मेरा मोनिटाइज हुआ अकाउंट डिसेबल कर दूंगा, ऐसा आपको प्रॉपर रीज़न लिखना है, ठीक है, आप समझ गए, ये सब आपको इंग्लिश में लिखना है। अब ये लास्ट वाला है कि प्लीज इंक्लूड एनी डेटा फ्रॉम योर साइट मोबाइल एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल ट्रैफिक लॉक्स और रिपोर्ट दैट इंडिकेट्स आईपी एड्रेस, और तो उसका मतलब ये है कि आपको शायद पता हो कि किस आईपी एड्रेस से यानी कि किस कंप्यूटर या लैपटॉप से किस मोबाइल से मेरे अकाउंट पर इनवैलिड क्लिक हो गई है, आपको शायद पता हो कि यही जो बंदा है जिसने मेरे अकाउंट या मेरे जो वीडियोस पर बार बार क्लिक की रखी है, तो उसका आईपी एड्रेस आप यहां पर मेंशन कर सकते हो, या अपना CTR रिपोर्ट जो होता है कि मुझे लगता है कि ये इनवैलिड एक्टिविटी हो गई, इतने दिन में हो गए और ये CTR जो मेरे बढ़ गए तो ये कुछ इस दिनों में बिटवीन कुछ ये दिनों में ही हुआ है, तो वो आप यहां मेंशन कर दो, ठीक है, और यह सब आपको इंग्लिश में लिखना है, और मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है।
जैसे ही आप इनवैलिड एक्टिविटी फील को सबमिट फॉर्म को सबमिट करते हो तो इस टाइप का एक ईमेल आ जाएगा तुरंत ही, और इसमें मेंशन है कि आपको जल्दी से जल्दी ईमेल का रिप्लाई दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि 99.99% तो नहीं है कि हमारा एक्सचेंज अकाउंट जो है री एनेबल्ड हो जाएगा तुरंत ही, लेकिन 0.01% ही चांस है कि आपका अकाउंट और आपकी जो अपील की है वो जेन्यून लगती है तो ही वो लोग आपको तुरंत ईमेल करेंगे और आपका अकाउंट जो होगा री एनेबल हो जाएगा, वरना आपको 30 दिन के लिए पेशेंट रखना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। शायद आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है या आपके CTR बढ़ गए हो गए या बढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप मुझे सिर्फ सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको ऐसे ही नए नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स सजेशन बताता रहूंगा। और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो यहाँ सर्कल दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। तब तक के लिए आओ जाओ।